एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? सो अभी टाइम हो रहा है सैरी का, नवी सैरी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ साथ पहले ये सैरी खाना उठे, पहले ये सैरी खाए कर। अलार्म अलार्म कह रहा हूँ, नहीं तो वहाँ टाइम पास करने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर हमारे दूध निकल गया चाय वाला। मेरा फोन में इतनी घटिया क्वालिटी आ रही है ना, बहुत ही बेकार फोन थी। मन कर रहा डस्टबिन में डाल दूँ। और सेम व्लॉग मैंने ना भाई वाले आईफोन से शूट किया, मतलब हम दोनों के पास ही ना 13 प्रो मैक्स है, यही भाई का फोन है और जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो मेरा फोन है। इतना डिफरेंस है, बहुत ही घटिया क्वालिटी। मूड खराब हो गया मेरा बहुत ही ज्यादा। अभी तो बहुत काली क्यों दिखाई दे रही हूँ मैं इसमें। अभी हो रहा है रात के 3:48 और ये लग गई हमारी सहरी। और ये दोनों माँ बेटे को तो अलग ही बिस्तर लगता है बिल्कुल। ये ऊपर बैठने नहीं देता तो इसलिए मैं इसे लेकर नीचे बैठ गई। मन तो कर नहीं रहा टाइम कुछ खाने का, खाया तो पूरा दिन भूख लगेगी बहुत ज्यादा वाली, इसलिए खाना पड़ेगा। और अभी तो मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, पहले मैं खाऊंगी उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी और फिर फजर की पढ़ लूंगी, एक ही वजह से पढ़ूंगी दोनों, तो मैंने सोचा इसलिए थोड़ी सी लेट पढ़ लूंगी। रोटी बहुत थोड़ी सी अभी इतनी भी थोड़ी नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैं आधी रोटी की बात कर रही हूँ। तूने कहा बहुत थोड़ी देना तो बहुत थोड़ी में तो आधी में से भी थोड़ी लई वाला लेने, बस इतना ही खाऊंगी मैं, यही टुकड़ा खाऊंगी। सब आ रही है फजर पढ़कर सोने की और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से सुबह, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये हम लोग सोकर उठ गए सभी, बहुत जल्दी सोकर उठी हूँ आज। सबसे पहले उठाऊ और देखो 10 बजने वाले हैं सुबह के। हम लाए हैं ये गुड़िया अलग ले केक। केक नहीं है इसमें, खाली बता खाली थैले लेके जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए और इन थैलों में कुछ नहीं है जो आप आने वाली वीडियो में देखोगे। ऐसा तो लग रहा क्योंकि त्योहारी का सामान देने जा रहा है। सुहेल से एक स्कूटी तक स्टार्ट नहीं हो रही, देख सकते हो आप लोग, मैं जब जाती हूँ तो फौरन स्टार्ट हो जाती है। करो हिल जाएगी तुमसे की है। और क्या? तुक्का गाइस, तुक्का था ये, तुक्का नहीं था। हमें उधर जाना है और बीच में इतना बड़ा नाला है उधर रास्ता। अब हम भूत अंदर अंदर मत जाना, अभी से देख के तो वाकई में डर लग रहा है यार। अवान टेंशन मतलब अपने साथ छुड़ा ले। तो मैं इतनी दूर से इतनी भागती भी आई हूँ सूखी रोटी और ग्लास लेने के लिए। वो लोग वो चीज हम भूल गए थे जिसकी हम स्टोरी शूट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें रोटी और मैंने ग्लास ले लिया है ये, बट डोंट वरी गाइस, कोई नहीं खाया दोनों को ही रोजा है। तो वो वाली रोटी मेरे हाथ में से ना बंदर छीन के ले गया और मैं दोबारा आई हूँ ऊपर लेने के लिए। ब्लैक वाली में लेके जा रही हूँ, आरिफ भाई को लेके जा रही हूँ ताकि वो बंदर को भगा दे। और देखो ये बैठा हुआ खा रहा है, देखो कैसे खा रहा है बैठा हुआ रोटी, अब फिर आ जाएगा ये। हाय अल्लाह, अभी तो बहुत सारे हैं ये। और देखो हम ये फ्रूट्स लाए शूट करने के लिए और अवान का तीसरा केला अवान इसमें से निकाल निकाल के खाया। तीसरा केला, तीसरा। क्या कर रही हो? उसको मत दिखाओ, अवान को सुसु आ रहा है शूट पे, क्या करूँ मैं, आओ गाड़ी में। आ बेटे घर आते ही अब दर्द नहीं हो रहा मतलब शूट पे ड्रामे कर रहा था, मेरा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो आओ। टोपी की वजह से क्या होता है? 2 बज गए हैं दोपहर के और शूट खत्म होते होते, तो अब हम ऊपर जाते हैं शावर लेते हैं और जोहर की नमाज पढ़ते हैं। यार रास्ते 3rd फ्लोर पे, जल्दी आ जा, वैसे ही बहुत लेट हो गए आज। नहीं करना क्या चाह रहा है, इतनी देर हो गई इसको। ओए ले ब्रेड पकौड़ा खा ले भाई, तो मतलब पहले सूंघ के देख रहा है, खराब थोड़ी दूंगी मैं जाहिल। देखो नीचे वाला कहते थे अकेले अकेले पार्टी चल रही है, ब्रेड पकौड़े क्या आ रही है, रुक जा तू पीछे से वारिया, खा ले यार जल्दी, देख जल्दी खा ले, आ गया वो छीन लेगा। नहीं मैं आकर शावर लेकर नमाज पढ़कर प्लस थोड़ा सा रेस्ट करकर फ्री हो गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बहरहाल मैं आज से कुछ बना नहीं रही हूँ, बस दही फुल्के बनाऊंगी और पकौड़ी बनाऊंगी और ड्रिंक में रुआफ़ा बनाऊंगी, ऐसे कुछ रेसिपी वगैरह वाला कुछ नहीं शूट कर रही मैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी थक गई हूँ मैं। क्या आज मैं सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 घंटे सोई हूँ, रात को मैं नहीं सोती, सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी बहुत जल्दी। हाय शाजिया, क्या बन रहा है खाने में? चिकन कोरमा।
चिकन में मटर कब से डालने लगी? मटर कब? अभी? हाँ। यार गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप ढेर सारी कमेंट किया करो और व्लॉग को लाइक जरूर किया करो, अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक करोगे प्लस प्यारी प्यारी कमेंट करोगे तो उनको पढ़ के ना मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं जब आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ। अगर किसी दिन लो फील होता है यार, लगता है लाइक मैं नहीं बना रही व्लॉग या मैं नहीं शूट करूँगी ऐसा वैसा, तो जब मैं आप लोग की कमेंट पढ़ती हूँ ना तो फिर मुझे अच्छा लगता है अंदर से, फिर लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए, मुझे शूट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेट करते हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों से कमेंट क्या करो प्यारी प्यारी, मोटिवेट क्या करो। ये पपीता, ये चिकन है। मैं ये सोच रही हूँ, मैंने इफ्तार में अभी इतने घंटे बाकी हैं, ये पपीता इतनी जल्दी क्यों काट के रख दिया। थोड़ी के लिए प्याज कट कर लेती हूँ। नाच पे सिर्फ प्याज वाली भजिया बोल रही है, उसको भजिया बोलते हैं, मुझे पता चला भजिया बोलते हैं प्याज वाली को, है ना, और मैं उसको पकौड़ी बोलती हूँ। दूसरी मिक्स बना लूँ नाजिब पे, लेकिन सिर्फ बोल रही है कि प्याज वाली बनानी, तो फिर पूछ कर आती हूँ मैं उनसे कि प्याज वाली बनाऊँ या मिक्स बना लूँ। नाजिब पे हल्की बोल रही हूँ, प्याज वाली पकौड़ी बनाऊँ या मिक्स बना दूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ना जब भी सुला रही थी बुराक को और वहाँ पर बोलना बिल्कुल मना था, तो हम वहाँ से खामोशी से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने इशारे से हमें समझा दिया तो मैं समझ गई हूँ कि मुझे मिक्स बना लेनी चाहिए। दोनों भाई आज इफ्तारी बना रहे हैं, ये कह रहा नहीं मैं बोलूंगा भाई लो। जाओ उठो, जाओ निकलो हमारे किचन में से, जाओ जाओ निकलो, जाओ निकलो, तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ पे बैठना, मातंग मचाते हो हमारे किचन में। कुआब्जा रुआब्जा बोलते हैं इसको। ये रहा बूम का पानी, चीनी का पानी है ये। वे क्या बना रही है रुआब्जा? ये डाल के रही है, देख तो ले। ओ क्या चाहता ये तो, ये समोसा थोड़ी है जो तो इसमें रुआब्जा डाल के बोलिए जी। आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। इफ्तारी का टाइम हो गया है, हमारी इफ्तारी में नूडल्स, दही फुल्की, कचरी, फ्रूट्स, पकौड़ी, खजूर एंड रुआब्जा। पर ऊपर बैठो, चलो दुआ मांगो। मम्मी पापा के पास ये इफ्तारी चल रही है, दुआ मांगो। मैं रोजाना सोचती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊंगी, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, फ्राई नहीं खाऊंगी। खैर आज तो मैंने खाई नहीं, मैगी खाई है बस और फ्रूट खा रही हूँ। दो दो फोन में ब्लॉग चल रहा है। बुराक को नहीं पसंद? अरे वाह, पसंद है इसे। पसंद है? गाइस मगरिब की नमाज के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद मुझे नाजिब पी ने चाय बना के दी जब मैं सो के उठी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी आप, और अब मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ शोरूम क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो ये रही मेरी रिंग लाइट और दूसरा फ़ोन, और मैं जा रही हूँ समीर भाई के साथ। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और इतना सारा पानी भर जाता है यहाँ पे, तो जिस टाइम बंद करने का टाइम है ना उस टाइम हम खोलने आए यहाँ पे। ये सही है ना, जेंट्स वाले आर्टिकल्स के फोटोज क्लिक कर रहे हैं, और ये है हमारे पास जेंट्स का कलेक्शन, शॉर्ट्स वगैरह सभी वैरायटी की है। तो आप लोग ना ये इंस्टाग्राम पर देख लेना सब कुछ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा काम ख़त्म हो गया है, 11 बजने वाले हैं रात के, और मैं जा रही हूँ घर। सब हैरान है, मैं अकेले जाऊँगी। ठंड लग गई बहुत ज़्यादा वाली, बहुत ठंड हो रही है, मेरे हाथ पूरे जम गए हैं स्कूटी चलाते चलाते। फ़ोन भी मेरा डेड हो चुका है और मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। वॉचिंग आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। कैसा लगा व्लॉग? व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, वी ऑल, ख्याल रखें आप सब अपना बहुत सारा, और दुआ में याद रखें।